नमस्कार छात्रों, मैं बिरबल साहू आप सबका स्वागत करता हूँ इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लास में। हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हार्मोनिक फंक्शन और उसके आगे पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एरेटिक फंक्शन। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था, सीआर फंक्शन पढ़ा था स्टूडेंट्स। ठीक है, सीआर इक्वेशन पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसी में हार्मोनिक फंक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन के बारे में हम आगे आज पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दिया हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? हार्मोनिक फंक्शन कहता है एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी हार्मोनिक इफ एफ सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन इफ डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन हार्मोनिक कब होता है, जब हम दिए हुए फंक्शन का एक्स वाई का एक फंक्शन दिया रहेगा, उस दिए हुए फंक्शन का हम क्या करते हैं टू टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं और टू टाइम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। कैसा डिफरेंशियल रहेगा? वो पार्शियल डिफरेंशियल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और उन दोनों का एडिशन, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ऐड करने पर जीरो के बराबर आ जाती है, जीरो के इक्वल आ जाती है, उसी को हम कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, क्या कहा समझ में आया? हमारे पास जो एफ एक्स वाई का जो फंक्शन रहता है, एक्स वाई का जो फंक्शन रहेगा, एक्स वाई वेरिएबल का जो फंक्शन रहेगा, उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में टू टाइम डिफरेंशियल करते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में भी टू टाइम डिफरेंशियल करते हैं। कैसा डिफरेंशियल है? वो पार्शियल डिफरेंशियल है। और फिर दोनों को हम ऐड कर देते हैं और दोनों का एडिशन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, जीरो के इक्वल हो जाता है, तो वो कहलाता है हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन। ये दिया हुआ फंक्शन है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, लाप्लास इक्वेशन भी कह जाते हैं। ठीक है, देखिए अब उसी में आगे आपको दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। अभी तक हम क्या पढ़े थे, एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़े हैं, सीआर फंक्शन के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, मतलब हम क्या करेंगे, फंक्शन को एनालिटिक बनाएंगे। ठीक है ना, फंक्शन को एनालिटिक बनाकर उसको सॉल्व करते हैं, वही बताएगा कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें कुछ कंडीशन दी गई है, ये नॉर्मल कंडीशन और उसके बाद एक मेथड है। ठीक है, या इसको आप कह सकते हो फर्स्ट मेथड, इसको आप कह सकते हो सेकंड मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या कहता है, यदि हमारे पास क्या है एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी एक फंक्शन है, तब इस कंडीशन में क्या होगा, जब यू गिवन रहेगा तब क्या फाइंड करना है वी को। क्या कहते हैं, जब हमको यू दिया रहेगा, यू गिवन में रहेगा, तब क्या फाइंड करेंगे, वी को फाइंड करेंगे। और जब वी गिवन में रहेगा, ठीक है, और जब क्या रहेगा, वी गिवन में रहेगा, मतलब वी दिया रहेगा, तब क्या फाइंड करते हैं हम, यू को फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कंडीशन है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन के लिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन है मिलनेस थॉमसन मेथड, या थॉमसन मैंने नहीं लिखा है बट उसी को हम कहते हैं मिलनेस थॉमसन मेथड, या मिलनेस मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास दो कंडीशन अप्लाई हो गए कि रियल पार्ट के लिए और एक इमेजिनरी पार्ट के लिए। तो देखिए क्या कहता है फर्स्ट पे, फर्स्ट कहता है स्टूडेंट्स यहाँ पे व्हेन यू इज गिवन दैट इज रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इज गिवन। ठीक है, कहता है जब यू क्या है, यू क्या रहेगा अपने पास, दिया रहेगा है ना, यू क्या है हमारे पास गिवन में है, तब क्या करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ जेड क्या है यहाँ पे, क्या कहता है, when u is given that is real part of f of z is given, है ना। इट मीन्स क्या रहेगा आपके पास स्टूडेंट्स, जब आपके पास क्या रहेगा, u गिवन में रहेगा, इसका मतलब क्या है, फंक्शन में आपको क्या दिया है, रियल पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन में क्या दिया हुआ है आपके पास, रियल पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तब इसमें क्या रखेंगे, तब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास, देखते हैं। चलिए, ये कहता है फर्स्ट स्टेप, तब कहता है राइट यू कैन फाइंड डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यू का हम लोग क्या करते हैं, यू को हम लोग सॉल्व करते हैं, यू को जब सॉल्व करेंगे इट मीन इसका पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब पार्शियल डिफरेंशियल करने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम लोग हार्मोनिक बताते हैं, हार्मोनिक निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके आगे उसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि जब इसका हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल कर लेते हैं, तो उसी पार्शियल डिफरेंशियल में हम लोग क्या करते हैं, जहां एक्स दिया उसको जेड से रिप्लेस कर देते हैं और y दिया है उसको हम लोग जीरो से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और थर्ड स्टेप कहता है जब हमारे पास कम्प्लीटली, जब हम रिप्लेस कर दें x की वैल्यू z से
और y की वैल्यू को 0 से रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद जो फंक्शन बनता है उस फंक्शन का हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। उस फंक्शन का हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला क्या बनता है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनता है f ऑफ z इंटीग्रेशन डेल u अपॉन डेल x z 0 dz माइनस i इंटीग्रेशन डेल u अपॉन डेल y z 0 dz प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप शॉर्ट में कर सकते हो या मान के लग चल सकते हो, या फिर इसको है ना मान के चल सकते हैं, लेट कर लो इसको 51z0 और ये हो जाएगा अपने पास 52z0। यहाँ पे साइन क्या है हमारे पास, माइनस साइन रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, कौन सा साइन रहेगा यहाँ पे, माइनस साइन रहेगा रियल पार्ट के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप कहता है स्टूडेंट्स, व्हेन वी इज गिवन इज इमेज है ना, व्हेन वी इज गिवन दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इज गिवन। क्या कहता है, जब v का फंक्शन दिया रहेगा, जब हमारे पास क्या हो, v का फंक्शन दिया रहेगा या जब v गिवन हो, तब क्या है फंक्शन किसका है, वो इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन होता है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, वो इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी सेम कंडीशन आप अप्लाई करोगे, जब v दिया रहेगा तो v को आप क्या करोगे, टू टाइम इसका पार्शियल डिफरेंशियल करोगे, वन टाइम x के रिस्पेक्ट में, सेकेंड टाइम y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर क्या करोगे, जहां पे x दिया उसको z रख देना, जहां जहां x दिया वहां पे z पुट कर देना, और जहां y दिया वहां पे 0 पुट कर देना स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर लास्ट कंडीशन मतलब थर्ड स्टेप क्या होता है, जैसे आप यहां वैल्यू रखते हो है ना, x की वैल्यू z पुट कर देते हो, y की वैल्यू 0 पुट कर देते हो, तब उसके बाद जो फंक्शन बनता है उस फंक्शन का आप क्या करना, यहां से इंटीग्रेशन लगा देना। ठीक है, इट मींस डेल v अपॉन डेल y डेल v अपॉन डेल x, इस वैल्यू को यहां पे आप पुट करना और इसका आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट है तो यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो माइनस साइन था वो क्या हो जाएगा, फाइव हो जाए प्लस हो जाएगा। ठीक है, जो माइनस साइन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और इसको आप वैसे फिर से बना सकते हो जो फर्स्ट पार्ट में आपने बनाया था, फाइव वन जेड जीरो प्लस आई फाइव टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी करके। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे इसे क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है क्वेश्चन में। Determine the analytic function whose real part is e to the power 2x into x cos 2y minus y sin 2x करके, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में है ना, इसको आपको सॉल्व करना है। कौन सा पार्ट दिया है, रियल पार्ट दिया है, तो आप यहाँ पे सॉल्व में जब चलोगे तो क्या करोगे, मान के चलना। ठीक है ना, let real part is equation u equal to e to the power 2x x cos 2y minus y sin 2y, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब इसी का हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x और y के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है ना, इसी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे इस इक्वेशन का। तो इससे पहले काम करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, e to the power x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, e to the power 2x into cos 2y e to the power 2x into x cos 2y minus e टू दी पावर 2x है, ये है ना, ये e टू दी पावर 2x y sin 2y है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप लगाओगे इसका पार्शियल डिफरेंशियल, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x का एक फंक्शन हो गया, लेकिन ये x का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अप्लाई कर दिया है स्टूडेंट्स। तो क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अप्लाई करने पर फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, सेकेंड फंक्शन एज इट इज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 e टू द पावर 2x into x cos 2y plus e टू द पावर 2x cos 2y minus 2 e टू द पावर 2x y sin 2y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने पास इसका क्या हो गया, डिफरेंशियल हो गया। अब इसमें पूरे में क्या कॉमन है, e टू द पावर 2x पूरे में कॉमन है, तो उसको मैंने क्या किया, यहाँ से बाहर कर लिया। ठीक है ना, e टू द पावर को मैंने यहाँ से e टू द पावर 2x को पूरा बाहर कर लिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो वैल्यू बची उसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, अब इस पूरे फंक्शन को मैं क्या मान सकता हूँ, फाई एक्स वाई मान सकता हूँ। ठीक है, सेम क्या करेंगे यहाँ पे, उसी फंक्शन का जो यू का फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का मैं क्या करूंगा, फिर से पार्शियल डिफरेंशियल करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में करूंगा उसको, अब उसको मैं करूंगा अब वाई के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करूंगा उसको मैं, वाई के रिस्पेक्ट में। देखिए अब वाई के रिस्पेक्ट मैंने यहाँ पे फिर से पार्शियल डिफरेंशियल किया, ये तो यह एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल फंक्शन यूज होगा, और यहाँ पे क्या है, y का फंक्शन रहेगा। देखो आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो जहां y का फंक्शन है वहां पे क्या अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। तो देखो जब इसको आप डिफरेंशियल करते हैं तब इसमें वैल्यू क्या निकलती है, देखिए माइनस साइन है ना, ये सामने माइनस साइन है। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन निकल सकता है, e टू द पावर 2x को आप कॉमन निकाल सकते हो स्टूडेंट्स।
ठीक है, क्या कर सकते हो आप इसमें ई टू दी पावर टू एक्स को कॉमन निकाल ले, अंदर जो इक्वेशन बना क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगा। इसको आप क्या ले सकते हो, फाइव टू एक्स वाई। स्टूडेंट्स क्या ले सकते हो, फाइव टू एक्स वाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसमें जब आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, अब क्या करना, इक्वेशन आप ले लिए, अब जहां जहां आपके पास इक्वेशन में डिफरेंशियल करने के बाद जहां जहां इक्वेशन में जेड दिया वहां पे आप एक्स रखोगे और वाई की जगह क्या पुट करोगे, जीरो पुट करोगे स्टूडेंट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, फाइव वन जेड जीरो ई टू द पावर टू जेड जेड टू जेड प्लस वन, फाइव टू जेड जीरो इक्वल टू माइनस ई टू द पावर टू जेड जीरो इक्वल टू, पूरे का इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। देखो मैं बता दिया है कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन और साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास जीरो हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से अप्लाई कर लेना आप मिलनेस थॉमसन मेथड को। ठीक, तो किसके लिए बना रहे हो आप, रियल पार्ट के लिए बना रहे हो स्टूडेंट। तो रियल पार्ट के लिए क्या रहता है, देखिए रियल पार्ट के लिए हमारे पास इक्वेशन दिया है ना, इसको मैंने बनाया है। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर लो और इसकी वैल्यू पुट कर लो, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ई टू द पावर टू जेड इंटू टू जेड प्लस वन है, इसकी वैल्यू क्या है जीरो, तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर से क्या अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ यही इक्वेशन बचेगा। तो यहाँ पे आप फिर से क्या अप्लाई कर सकते हो, इससे आप यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाय पार्ट मेथड यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए बाय पार्ट यूज करने के बाद क्या निकला है, एफ ऑफ जेड टू जेड प्लस वन ई टू द इंटू ई टू द पावर टू जेड अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन टू इंटू ई टू द पावर टू जेड अपॉन टू डी जेड प्लस सी, टू टू कैंसल हुआ है स्टूडेंट्स। अब ये तो एज इट इज रह गया, अब फिर से मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो फिर से मुझे वैल्यू रिपीट होकर मिलेगी ई टू द पावर टू जेड अपॉन टू प्लस सी करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी क्या है अपने पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट है स्टूडेंट। तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ, सॉल्व हुआ मिलनेस थॉमसन मेथड से। मैंने यहाँ पे क्या बताया, एक एनालिटिक फंक्शन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में। अगर इसी टाइप से आप क्या करोगे और भी इसके क्वेश्चंस रहेंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कंडीशन क्या रहेगी आपको ध्यान में रखना है कि रियल पार्ट के लिए आप सॉल्व कर रहे हो या फिर इमेजिनरी पार्ट के लिए, कंडीशन सेम रहेगी, सॉल्व करने का टर्म सेम रहेगा, बस क्वेश्चन में चेंज रहेगा कि रियल पार्ट आएगा तो यू में आता है, इमेजिनरी पार्ट वी में आता है और लास्ट में जो माइनस थॉमसन मेथड है यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होता है। अगर रियल पार्ट है तो यहाँ पे माइनस है, इमेजिनरी पार्ट हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस बातों का ध्यान रखेंगे। इस टाइप से कंप्लीट होता है हमारा ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कंप्लीटली ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इसी में आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, क्या कहता है, सो दैट द फंक्शन यू इक्वल टू वन अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक, फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, तो क्या है अपने पास, ये कि हमारे पास क्या है, ये हार्मोनिक है, तो क्या फाइंड करना है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मैंने यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिख लिया, गिवन दैट द इक्वेशन, इक्वेशन जो दिया उसको गिवन में लिख लिया मैंने, इक्वेशन नंबर वन बनाया। अब इसका मैंने क्या किया, वन टाइम डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर सेकेंड टाइम डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में किया, सॉरी फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब फिर इसी फंक्शन का मैं सेकेंड टाइम डिफरेंशियल करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना पड़ेगा जो भी आपके पास फंक्शन दिया उसका आपको टू टाइम उसका डिफरेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे यहां से, हमारे पास जो इक्वेशन दिया उसका हम क्या करते हैं टू टाइम क्या करेंगे उसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास ये इक्वेशन बना, सिमिलरली क्या करते हैं उस इक्वेशन का हम क्या करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में टू टाइम डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों करते हैं टू टाइम डिफरेंशियल, क्योंकि फंक्शन को हमको हार्मोनिक बताना है, हार्मोनिक बनाना है। ठीक है, दोनों का एडिशन जब बनाया तो वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, देखो दिया है ना। तो क्या कहता है, यू सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन देन हेंस यू इज अ हार्मोनिक, है ना, यू इज क्या है हार्मोनिक। ठीक है, अब उसने कॉन्जुगेट बताने के लिए कहा था तो मैं करूंगा अगेन लेट वी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू। ठीक है, क्या कहता है, लेट वी बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू देन डी वी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई सी आर इक्वेशन। देखिए इसको हम लोग किससे फॉलो कराते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं सी आर इक्वेशन से, कॉसी रिमान इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो आगे बनेगा। ठीक है, देखो इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई से, और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया डेल यू अपॉन डेल एक्स से रिप्लेस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है चलिए देखते हैं। ठीक है, देखो मैंने इसको रिप्लेस किया तो क्या हो गया, डी वी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस
वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट मीन्स मैंने किसकी वैल्यू पुट कर दी, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और यहाँ मैंने किसकी वैल्यू पुट कर दी, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, एलसीएम निकालोगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर कहता है बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन टू, जिसका आप जब इंटीग्रेशन करने जाओगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, वी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज ए रियल कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉन्जुगेट बताने का था, मैंने इसमें कॉन्जुगेट बता दिया। इसी टाइप से स्टूडेंट्स आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको फंक्शन को हार्मोनिक बताना है ना, तो माइलनेस थॉमसन मेथड का भी यूज करना है, सीआर इक्वेशन का भी यूज होगा, हार्मोनिक फंक्शन का भी यूज होगा, ठीक है। और एनालिटिक फंक्शन का कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, क्या कहता है एनालिटिक फंक्शन बनाने के लिए, कि जो भी फंक्शन हो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होनी चाहिए और फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और क्या होने चाहिए उसके डेरिवेटिव्स, क्या होने चाहिए डेरिवेटिव्स भी होने चाहिए, यूनिक डेरिवेटिव्स होने चाहिए सभी पॉइंट्स पे, ठीक है। ये होता है एनालिटिक फंक्शन के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से आपका ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके असाइनमेंट देंगे और इसे क्वेश्चंस को देंगे, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।